बाई वन कॉटन नेटिंग के बाद सबसे अच्छा जो कपड़ा चल रहा है वो 3x1 है। इसमें देखेंगे तो लगभग हर कलर आएगा 3x1 में। 3x1 कपड़ा है क्या? चेहरे पिलाओ। 3x1 कपड़ा ऐसा 3x1 जो कॉटन नेटिंग के बाद चलन में आ रहा है सबसे अच्छा कपड़ा है 3x1। इसमें 90% कॉटन कपड़ा, उसके बाद 10% जो है वो स्पाइंडेक्स है जो अपना लाइक्रा देता है, जो कपड़े में लाइक्रा देता है। ज़्यादातर लगभग जो कंपनियां हैं, लगभग जो कपड़े 100% जींस बनाती हैं, डेनम बनाती हैं, वो चाहे 2800 का पीस हो या 3000 का पीस हो, लगभग जो कपड़े वापरती हैं वो 3x1 ही होता है। तो दोस्तों कपड़े में देखा जाए तो 3x1 100% काटन के साथ ये कपड़ा सबसे बेस्ट कपड़ा है। इसकी जो पहचान है, मैंने लगभग हर वीडियो में आपको पॉली नेटिंग का, कॉटन नेटिंग का, डॉबी का या सिल्की का हर पहचान में बताया हूँ, और जो ट्रिक बताया वो कपड़े के उल्टे साइड ही बताया हूँ। तो कपड़े की उल्टी साइड जो इसका विप्स में बताया था, इसकी जो लाइनिंगें बताई थी, ये देखिए करीब से आप देखेंगे, जूम करके देखेंगे तो इसकी लाइनें जो दिख रही है ये 3x1 की लाइन है। 3x1 कपड़े की पहचान है जो 100% काटन को दिखाता है। इसमें जो लाइक्रा होता है, जो कपड़े का लाइक्रा होता है, वो भी लाइक्रा भी अच्छा आता है। लाइक्रा देखेंगे तो जो लाइक्रा का क्वालिटी है वो उतना तो नहीं आएगा जो मार्केट में जो हिसाब से चल रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं जो काटन कपड़ा है जो ज़्यादा देर तक चलता है, ज़्यादा देर जिसका कलर फेड नहीं होता है, एक्चुअली वो काटन ही थ्रेड्स ऐसे होते हैं जिनके कलर्स जल्दी फेड नहीं होते और काफ़ी दिनों तक चलता है। इसके अगर कंपटीशन में देखेंगे तो आजकल जो मार्केट में चल रहा है वो कॉटन नेटिंग सबसे ज़्यादा चल रहा है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो कॉटन नेटिंग में जो सबसे ज़्यादा लाइक्रा इस टाइम आ रहा है वो सारा खेल स्पाइंडेक्स का है, जो उसमें पोलिस्टर यूज होता है, जो नायलान यूज होता है, उन सब चीज़ों की वजह से लाइक्रा उसमें बढ़ता है। इसमें भी स्पाइंडेक्स 90% अगर काटन है तो 10% स्पाइंडेक्स की वजह से थोड़ा लाइक्रा है। तो जीन्स हमारी अगर एक्चुअली देखा जाए तो जो लाइक्रा है वो ज़्यादा देर तक चलती नहीं। गर्मियों में भी काफ़ी, अभी जो गर्मी का मौसम आ रहा है तो गर्मियों में भी काफ़ी वो परेशान करती है, पसीना बाहर आने नहीं देती, ना तो हवा पास होने देती है। तो वो लाइक्रा हम देखेंगे आजकल सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड में है वो लाइक्रा है, जो फुल लाइक्रा चल रहा है। स्ट्रेचेबल जो कपड़ा है वो सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे लेग्स के लिए जो ऑक्सीजन का काम करता है वो 3x1 है। इसकी सबसे बड़ी पहचान बताए आपको, इसमें का जो लाइनिंग है वो सबसे बड़ी पहचान है। आप सब कोई सा भी कलर करेंगे, इसकी कलर जो भी रहेगा, लेकिन आपकी जो लाइनिंगें हैं वो सब कपड़ों में दिखेगी, आपको सब कपड़ों में दिखेगी, ये सबसे बड़ी आपकी पहचान है। और अगर आप रिटेलर हैं, कस्टमर हैं या होलसेलर हैं तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबरों पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 3x1 आपको मार्केट में भटका रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, खरीद नहीं आ ले रहे हैं, लेकिन आप देखिए नंबर पे मेरे कॉन्टेक्ट कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, होलसेलर हैं या रिटेलर हैं, तो डायरेक्ट आप अगर एक दो पार्सल मंगवाना भी चाहते हैं तो 70% आप कैश देके 30% आप उधारी भी कर सकते हैं। माल जब भी आपके पास पहुँचे तब आप उसका पेमेंट भी कर सकते हैं। 3x1 में मेरे 3x1 में ये जो कपड़े हैं आपको लगभग हर कलर में मिलेंगे, हर पैटर्न में मिलेंगे, और बढ़िया चीज़ें हैं। इनका कलर कोई भी कलर फेड नहीं होता है। 3x1 की सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें का जो कलर है कोई भी फेडेड कलर आपको नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा 100% प्योर मिलेगा। 100% कॉटन के साथ 3x1 कपड़ा सबसे ज़्यादा चल रहा है काफ़ी टाइम से, और इसका ट्रेड जो कपड़े का ट्रेड है वो कभी कम होने वाला नहीं है, क्योंकि 3x1 जैसा कपड़ा अभी मार्केट में दोस्तों कोई नहीं है जो इसको टक्कर दे सके। नामी गिरामी ब्रांडेड कंपनियां भी 3x1 ही कपड़ा यूज कर रही हैं। फर्क जो है कपड़ों का, वो कपड़ों का अंश है, जो 12 अंश और 13 अंश वजन जो कपड़े में है, जो कपड़े का वजन है खाली वही डिफरेंट है, बाकी लगभग लगभग कपड़ा सेम ही आता है दोस्तों। तो आपने देखा
3x1 कपड़े का क्रेज, इसकी पहचान और लाइक्रा। इसमें जो लाइक्रा है, आपको लाइक्रा बता चुका हूँ कि लगभग हर कपड़ों में लाइक्रा थोड़ा मिलेगा ही मिलेगा। देख सकते हैं नज़दीक नज़दीक से आप इसको देख सकते हैं, जूम करके दिखा रहा हूँ। इसकी जो लाइनिंगें हैं ये आपको ध्यान रखना है, इसमें या तो आर भी अच्छा आता है या तो लेफ्ट भी अच्छा है। जो लाइनिंगें हैं कभी आपको राइट से दिखेगी और कभी लेफ्ट से दिखेगी, लेकिन लाइनिंगें इसमें 100% रहेगी। और कपड़ों में पॉलिस्टर कम होने की वजह से कपड़े में जो चमक होती है, जींसों में जो चमक रहती है वो दोस्तों नहीं रहती है। अगर आप 3x1 को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हो सकता है ये पहनी हुई जींसें हैं, क्योंकि जो कॉटन होता है दोस्तों वो लगभग 90% कपड़ा डल होता है, कपड़े डल होने की वजह से। लेकिन ये जूने जैसा लगते हैं, लेकिन ये 100% हर टाइम आपके साथ सेम पोजीशन में रहते हैं, इनकी डलनेस इससे ज़्यादा जाती नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।